हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठहर सीबीगंज बरेली में। देखिए, यहाँ पर हम आपके लिए, हमने पिछली वीडियो में आपके लिए इंट्रोडक्शन बताया था, वो भी चैप्टर हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो समांतर श्रेणी का स्टार्ट हुआ था। और समांतर श्रेणी में हमने आपके लिए इंट्रोडक्शन एक वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया आपके लिए, तो वो इंट्रोडक्शन आप देख लेना, हमने कितना बेहतरीन तरीके से आपको इंट्रोडक्शन बताया है। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, और एक्सरसाइज का जो यहाँ पर है 5.1 समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को इस वीडियो में यहाँ पर आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 के लिए जो वर्णात्मक प्रश्न है, विद्या की बुक है ये हमारे पास, और इसमें जो वर्णात्मक प्रश्न है उनके लिए हम बताएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो देखिए, यहां पर शुरू करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, अति लघु। तो यहां पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वो क्या है, ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित सूत्रों से परिभाषित अनुक्रमों के पहले तीन पदों को लिखिए। अनुक्रम दिया गया है, सिक्वेंस दिया गया है, और उसके तीन पदों का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं अनुक्रम लिख लेता हूं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है, अनुक्रम ए एन बराबर 5n+2, ये है, ये पहला अनुक्रम लिखा हुआ है, ए एन बराबर 5n+2। तो यहां पर हमें आपके लिए पद निकालने हैं, वो भी कितने निकालने हैं, तीन, तीन पहले पद, तीन पदों को निकालना है। तो तीन पदों को निकालने के लिए हम n बराबर 1 रख देंगे पहले, n बराबर 1। जब n बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a1 बराबर 5 × 1+2, तो a1 हो जाएगा बराबर में 5 × 1+2, तो a1 का मान हो जाएगा हमारे पास यहां पर 5 और +2 7, a1 का मान 7 आ गया, यानी ये पहला पद आ गया जो कि यहां पर निकला 7। अब हम यहां पर दूसरा पद निकालेंगे इसके लिए, तो क्या करेंगे, n बराबर 2, n का मान 2 रख देंगे इसमें, तो लिखेंगे a2 बराबर 5 × 2+2, तो a2 बराबर आ जाएगा 5 × 10 और प्लस 2, तो a2 का मान आ गया 10 और 2 12, 12 आ गया यहां पर, यानी दूसरा पद यहां पर 12 हो गया। अब हम निकालेंगे तीसरा पद a3 निकालेंगे अगर, तो n का मान रख देंगे हम यहां पर 3, n का मान 3 रखेंगे तो a3 बराबर 5 × 3+2, तो a3 बराबर हो जाएगा 5 × 3 15 और प्लस 2, तो a3 बराबर हो जाएगा 15 + 2 17, यानी तीसरा जो पद आ गया वो 17 आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो पहला पार्ट है वो खत्म हो चुका है। अब यहां पर दूसरा पार्ट लेंगे, जो दूसरा पार्ट है इसी का, पहले का, पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट वो क्या है, ए एन बराबर n² + 1, ये दिया गया है, और आपसे तीन पद निकालने हैं। तीन पद निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम n का मान 1 रख देते हैं, n का मान 1, तो जाएगा a1 बराबर 1² और प्लस 1, तो a1 बराबर हो जाएगा 1² 1 और प्लस 1, तो a1 बराबर हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी पहला जो पद आ गया है वो यहां पर आ गया आपके लिए 2, पहला पद कितना आ गया 2। अब हम दूसरा पद निकालेंगे, तो हम यहां रख देंगे n बराबर 2, तो n का मान 2 रखेंगे, a2 बराबर 2² + 1, a2 बराबर 2² कितना हो गया 4,
और प्लस एक, तो ए टू का मान आ गया आपके लिए चार और एक पांच, यानी यहां पर दूसरा जो पद आ गया है आपके लिए वो आ गया पांच। अब हम तीसरा पद निकालेंगे, तो तीसरा पद निकालने के लिए एन बराबर रख देंगे तीन, तो तीन रखेंगे, देखिए ए थ्री बराबर तीन का स्क्वायर प्लस वन, तो ए थ्री बराबर तीन दिया नौ और प्लस एक, तो ए थ्री बराबर हो गया नौ और एक दस, तो तीसरे पद का मान यहां पर हो गया आपके लिए दस, ये निकल गया। अब हमारा जो पहला प्रश्न था वो खत्म हो गया, अब हम आपके लिए दूसरा प्रश्न बताएंगे। दूसरा प्रश्न ये है कि निम्न सूत्रों से परिभाषित अनुक्रम के पहले पांच पदों को लिखिए। अनुक्रम आपके लिए दिया गया उसके पांच पद निकालने, कौन सा अनुक्रम दिया गया दूसरे में, तो देखिए दूसरे में दिया गया ए एन बराबर माइनस एक की घात एन माइनस वन और गुणे दो की घात एन, ये है। इसमें हमें पांच पदों को निकालना है, तो पांच पदों को निकालने के लिए एन बराबर वन रखेंगे, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, तो एन बराबर वन निकालेंगे वन पर, तो ए वन बराबर माइनस का वन उसकी घात वन माइनस वन इंटू टू की घात वन, तो ए वन बराबर माइनस वन की घात वन में से वन गया जीरो गुणे दो की घात वन, तो ए वन बराबर माइनस वन की घात जीरो वन हो जाएगा और गुणे दो, तो ए वन का मान आ गया आपके लिए दो। ए वन का मान कितना आ गया, दो आ गया। इसी तरीके से हम ए टू का मान निकालेंगे एन बराबर दो पर, एन बराबर दो पर निकालेंगे तो ए टू बराबर माइनस वन की घात टू माइनस वन इंटू टू की घात टू, तो ए टू बराबर माइनस वन की घात दो में से एक गया एक और गुणे दो की घात चार, दो की घात दो हो जाएगा चार, माइनस वन की घात वन है माइनस ही आएगा और गुणे चार, तो ए टू का मान आ गया हमारे पास माइनस का चार। अब हम ए थ्री का मान निकालेंगे एन बराबर तीन रखने पर, तो ए थ्री बराबर माइनस वन की घात तीन माइनस एक गुणे दो की घात एन, तो ए थ्री बराबर माइनस वन की घात तीन में से एक गया दो गुणे दो की घात एन, एन का मतलब यहां पर तीन रख दो, तो ए थ्री बराबर माइनस वन की घात टू और गुणे दो की घात तीन आठ, ए थ्री बराबर ये पॉजिटिव आ जाएगा वन क्योंकि यहां पर सम संख्या है और गुणे में आठ, तो ए थ्री का मान आपके लिए आ गया आठ, तीसरा मान आठ आ गया है। अब हम यहां पर चौथा पद निकालेंगे, तो हम रखेंगे एन बराबर चार, तो ए फोर बराबर माइनस वन की घात चार माइनस एक गुणे दो की घात चार, तो ए फोर बराबर यहां पर आ जाएगा आपके लिए चार में से एक गया तीन, तो जब तीन आ जाएगा तो पावर निगेटिव आएगी माइनस का वन और गुणे दो की घात चार कर लेंगे, तो यहां पर आपके लिए आ जाएगा सोलह। इस तरीके से यहां पर आपके लिए चौथा पद आ गया। अब आपके लिए पांचवा पद निकालने हैं एन बराबर पांच रखने पर, तो ए फाइव बराबर माइनस वन की घात पांच माइनस एक गुणे दो की घात पांच, तो हो जाएगा ए फाइव बराबर माइनस वन की घात पांच में से एक गया चार गुणे दो की घात पांच, तो ए फाइव बराबर माइनस वन की घात चार कितना हो जाएगा पॉजिटिव में एक और गुणे दो की घात पांच, यहां पर कर लेंगे पांच बार लिख लो उसको, तो दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह दूनी बत्तीस, तो ए फाइव बराबर हो गया बत्तीस। ये पांचों पद देखिए यहां पर हमने आपको निकाल कर दिखा दिए हैं, जो प्रश्न नंबर दो में था यहां पर एनवा पद दिया गया था और अब पांच टर्म निकलवा रहे थे, तो पांच टर्म आपके लिए हमने निकाल करके बता दिए। अब यहां पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न का तीसरा प्रश्न बचा हुआ है, तीसरा प्रश्न आपके लिए हम आप करवाते हैं। देखिये बच्चों यहां पर अब हम आपके लिए तीसरा प्रश्न बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
और तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है बताते हैं, लिखा है एक सूची का एनवा पद यानी सीरीज का एनवा पद 3n माइनस 2 है, यानी an बराबर 3n माइनस 2, ये है एनवा पद। और आपसे बोला गया क्या सूची समांतर श्रेणी में है, और अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका दसवां पद ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखे हमने लिख दिया, यहां पर इस श्रेणी को पहले चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो सबसे पहले n बराबर 1 रखते हैं, 1, तो a1 बराबर 3 गुणे 1 माइनस 2, तो यहां हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 2, यानी हो गया आपके लिए 1, a1 का मान 1 आया। अब हम निकालेंगे 2n2 n बराबर 2 पर, तो a2 बराबर 3 गुणे 2 माइनस 2, तो यह हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी 4। तो ऐसे ही हम निकालेंगे a3 बराबर 3 गुणे 3 और माइनस 2, तो हो जाएगा a3 बराबर 3 तिया 9 माइनस 2, तो a3 बराबर हो गया आपके लिए 7। अब हम यहां पर तीसरा पद निकाल लिया, अब चौथा पद निकाल लेंगे a4, तो 3 इंटू 4 माइनस 2, तो 4 तिया 12 माइनस 2, तो यहां पर आपके लिए आ गया 10, a4 10 आ गया। अब यहां पर हम वैल्यू लिख देते हैं कौन कौन सा टर्म आया, पहले तो हमारे पास 1 आया है, फिर हमारे पास जो आया है वो 4 आया है, फिर हमारे पास जो आया है वो 7 आया है, फिर हमारे पास जो आया है वो 10 आया है। अब आप यहां पर देख लेंगे कि क्या यह समांतर श्रेणी है, बिल्कुल है। देखो यहां पर अंतर इनका 4 और 1 का कितना है 3, 7 और 4 का कितना अंतर है 3, 7 और 10 का अंतर है 3। अगर अंतर समान होता है तो हम कह सकते हैं वो समांतर श्रेणी होगी। तो हम लिख देंगे सूची समांतर श्रेणी में है, सूची समांतर श्रेणी में है, तो इसका दसवां पद आपको निकालना पड़ेगा। तो दसवां पद निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, t10 यानी दसवां पद, a प्लस n माइनस 1 होता है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, तो t10 बराबर हो जाएगा a प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 डी। तो यहां पर देखिए आप a का मान कितना है, 1 है, क्योंकि पहला पद a कहलाता है, तो मैंने लिख लिया 1 प्लस 9 इंटू डी, डी का मान होता है अंतर, अंतर कितने का है 3 का, तो 3 लिख लिया, हो जाएगा 1 प्लस 9 तिया 27, तो यहां पर आ जाएगा आपके लिए 28, यानी इसका जो दसवां पद होगा वो 28 आ जाएगा यहां पर दसवां पद, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 5.1 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वर्णात्मक प्रश्न आपके लिए जो है हो चुके हैं। और इससे अगली नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको बताएंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताएंगे, जो कि यहां पर लघु उत्तरीय प्रश्न करीब 8 प्रश्न मिलकर के कुछ है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को मिलाकर 8 प्रश्न है, तो उन सभी प्रश्नों को कराएंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए वो सीखना है, तो कैसे करेंगे वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इतना ही तैयार कीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैथ यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, और सीखते रहिए ध्यान ध्यान से यहाँ पर, और वीडियो लगातार देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।